एलटी ग्रेड टीचर मैथमेटिक्स एंड डीजीटी पीएससी मैथमेटिक्स के लिए थ्री डी कोऑर्डिनेट्स मैट्रिक्स का वीडियो नंबर है 17। और टॉपिक चल रहा है हमारा स्पेयर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें जो स्पेयर के डायमीटर के कोऑर्डिनेट दिया है 1-2, 3 एंड 3-4-5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर। ठीक है, द डायमीटर कोऑर्डिनेट ऑफ स्पेयर इज एंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर इक्वल टू होता है x-x² x-x² y-y1 y-y2 +z-z1 z-z2 इक्वल टू 0। इसको हमने x1 y1 z1 माना, इसको x2 y2 एंड z2 मान लिया है। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। x-x1 की वैल्यू 1 है, x-x2 की वैल्यू 3 है, y-y1 यानी कि +2 हो जाएगा, y-y2 +4 हो जाएगा, z-z1 3 हो जाएगा, z+5 इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाइंग कर देंगे, x²-3x-x+3+y²+4y+2y+8+z²+5z-3z-15=0। तो यहाँ होगा x²-4x+3y²+6y+8z²+2z-15=0 चल रहा है, यानी कि x²+y²+z²-4x+6y+2z-4=0। ठीक है, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ स्पेयर। यह उस स्पेयर का इक्वेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्पेयर का, इस वीडियोस का क्वेश्चन कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर हुज डायमीटर्स इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये तो हो गया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर हुज सेंटर इज 2-3 एंड 4। यानी कि स्पेयर का सेंटर दिया है 2-3 एंड 4 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1-3। एक पॉइंट से पास कर रहा है एंड डायमीटर गिवन है। डायमीटर दिया 2-3 4 एंड पास जो पॉइंट्स है वो है 1-3। इसकी रेडियस यानी कि डिस्टेंस निकालेंगे, वो इसका रेडियस हो जाएगा। सेंटर होगा u-u-b-w। तो -u इक्वल टू है 2 एंड -v इक्वल टू है -3 एंड -w इक्वल टू है 4। यानी कि u इक्वल टू -2, v इक्वल टू 3 एंड w इक्वल टू -4। u भी w आ चुका है। ठीक है, सेंटर निकाल चुके हैं, रेडियस हो ले लें, यानी इन दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस हो जाएगा √1-2² + 2-3 यानी -+3² + 3-4² देन r इक्वल टू होगा √-1² + 5² - 1² तो यहाँ हो जाएगा 1+25+1 यानी कि √27 हो गया, रेडियस 27। तो इक्वेशन ऑफ स्पेयर अब देखिएगा, इक्वेशन ऑफ स्पेयर कौन सी वाली फॉर्म से निकाला जाए। तो इसमें एक तो पॉइंट दिया हुआ है और सेंटर दिया है, रेडियस अगर हम फाइंड कर भी लिए हैं तो डी के टर्म में हमको नहीं मिला हुआ है, है ना। डी की वैल्यू ये तो निकालनी, देखिएगा एक तो इक्वेशन ये होता है x²+y²+z²+2ux+2by+2wz+d=0। हमारे पास यू वी डब्ल्यू है पर डी नहीं है, तो डी की वैल्यू रेडियस के टर्म में हम निकाल सकते हैं। आर इक्वल टू होता है √u²+v²+w²-d। यहाँ से हम डी फाइंड कर लेंगे और डी यू वी डब्ल्यू की वैल्यूज है, डी की वैल्यूज और यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और भी मेथड्स हैं ना, तो कोई बात नहीं, इससे डी इजिली निकल आएगा। तो आर इक्वल टू √27 था, आर इक्वल टू √27 √u² यू की वैल्यू है -2² प्लस वी बी यानी कि 3² प्लस w-4² -d। स्क्वायरिंग अगर करते हैं तो 27 = 2² 4 हो गया, 9 हो गया, +16 - d हो गया, तो हो गया 20, 9, 29, 29, 27
देन d इक्वल टू हो गया 29 माइनस 27 इक्वल टू 2। डी की वैल्यू आ चुका है और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2। यू की वैल्यू है माइनस 2 इंटू एक्स प्लस का 2 बी यानी कि 3 इंटू वाई प्लस का 2 डब्ल्यू माइनस का 4 इंटू जेड प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6y माइनस का 8z प्लस 2 इक्वल टू 0। ये होगा इस पेयर का इक्वेशन, यानी कि जो हमको फाइंड करना था वो ये आ जाएगा। तो पहले हमने यू बी डब्ल्यू लिया और उसके बाद फॉर्मूले में आर का फॉर्मूला लगाया, रेडियस का फॉर्मूला लगा के, रेडियस का जो फॉर्म था यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, उससे हमने डी फाइंड के लिए, और रेडियस जो निकाला था दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट से हमने रेडियस फाइंड कर लिया था, और उस रेडियस को रेडियस के फॉर्मूले के इक्वल कर दिया जिससे हमको डी मिल गया और यू वी डब्ल्यू डी की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्मूले में पुट कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होगा इस वीडियो के लिए, दो हो चुके हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट ए बी सी एंड मीट्स द एक्सिस ए कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, यानी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर ए फिक्स पॉइंट ए बी सी। देखिएगा स्फीयर है और 3D सिस्टम में है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और कहीं z एक्सिस होगा, और बीच में जो मीट्स द पॉइंट है ए बी सी, यानी कि x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है a है, y का b है और z का c है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ए बी सी कहीं शो कर रहा है, इसे पास कर रहा है, यानी कि जो a है x एक्सिस की डिस्टेंस है, यहाँ पे a कहा है, एंड बी बाई एक्स की डिस्टेंस इस पॉइंट को बी कहा है, एंड जेड एक्स के जो डिस्टेंस है वो सी होगा, तब ये पॉइंट एक्स वाई जेड के टर्म में बन रहा होगा। उसके बाद कहा है कैपिटल एक्सिस कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, एक्स वाई जेड को उन्होंने एक्स वाई जेड एक्स ना कहकर ए बी सी एक्सिस कहा है। प्रूव दैट द लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ स्फीयर, मतलब लोकस नहीं, प्रूव दैट द इक्वेशंस ऑफ स्फीयर ओ ए बी सी इस, ओ ए बी सी का इक्वेशन निकालना है, सेंटर फाइंड करना है, मतलब सेंटर फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करना है इसका। ठीक है, ओ कहीं होगा, ओ नज़र नहीं आ रहा, चलो ओ ये है मान लिया ओरिजिन है, तो ओ ए बी सी का हमको निकाल के चलना है। ठीक है, तो ओ है यहाँ पे ओरिजिन, ओरिजिन यानी कि 0 0 0 0 0 0। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए हो जाएगा ए 0 0, कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट हो जाएगा 0 b एंड 0, एंड सी हो जाएगा 0 0 एंड सी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमको लेना, इक्वेशन ऑफ स्फीयर ओ ए बी सी का हमको फाइंड करना है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर स्फीयर ये वाला फॉर्म लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस का 2by प्लस का 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है ना, पासिंग थ्रू इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, अलग अलग करके पासिंग करा देते हैं, पासिंग थ्रू एक तो पॉइंट है 0 0 0 0 0 से पास कराते हैं तो ऑल ऑफ टर्म 0 0 हो जाएगा, डी केवल बचता है यानी कि डी इक्वल टू आ गया 0, डी की वैल्यू 0 आ गया। अब दूसरा पॉइंट से पासिंग थ्रू ए 0 0 से पास कराते हैं, डी इक्वल टू 0 आ गया था इससे पास कराने से, पासिंग थ्रू ए 0 0 से पास कराते हैं, ए स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 प्लस का 2ua प्लस 0 प्लस 0 प्लस डी की वैल्यू 0 ही था इक्वल टू 0, या ए स्क्वायर प्लस 2ua इक्वल टू 0, ए कॉमन लेंगे ए प्लस 2u इक्वल टू 0 यानी कि 2u इक्वल टू माइनस ए, या u इक्वल टू आ गया माइनस का ए बाई 2। अब पासिस कराते हैं, पासिस थ्रू द पॉइंट 0 0, पासिंग थ्रू 0 0 से पास करेंगे 0 प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 0 प्लस 0 प्लस 2ba प्लस का डब्ल्यू वाला 0 डी वाला 0 सब 0 हैं, यानी कि बी स्क्वायर प्लस
2b इक्वल टू जीरो, यानी कि 2b प्लस का v इक्वल टू जीरो एंड 2b इक्वल टू माइनस का v, टू बी इक्वल टू माइनस का वी, बी इक्वल टू आ जाएगा माइनस का वी बाई टू। इसी प्रकार पासिस थ्रू करा देते हैं, यू भी आ गया, या एक तो हमारे पास आ चुका है यू इक्वल टू माइनस का ए बाई टू, वी इक्वल टू माइनस का वी बाई टू एंड डी इक्वल टू जीरो है। तीन चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं डब्लू के टर्म में, वो लेना है। अब पासिंग थ्रू, तीसरा पॉइंट है पासिंग थ्रू, चौथा पॉइंट माना जाएगा जीरो जीरो सी। इससे पास कराते हैं जीरो प्लस जीरो प्लस सी स्क्वायर प्लस का जीरो प्लस जीरो प्लस का टू डब्लू सी प्लस का डी की वैल्यू जीरो है इक्वल टू जीरो, यानी कि सी स्क्वायर प्लस टू डब्लू सी इक्वल टू जीरो एंड सी प्लस का टू डब्लू इक्वल टू जीरो एंड डब्लू इक्वल टू माइनस का सी बाई टू। तो डब्लू इक्वल टू हो गया माइनस का सी बाई टू, यू वी डब्लू एंड डी आ गया है जीरो। ठीक है, पुट द इक्वेशन नंबर वन, यानी कि ये वाली वैल्यूज को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर वन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू बी वाई प्लस का टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू, यानी कि माइनस का ए वाई टू इंटू एक्स प्लस का टू बी है माइनस का बी वाई टू इंटू वाई प्लस का टू डब्लू है माइनस का सी वाई टू इंटू जेड प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का बी वाई माइनस का सी जेड इक्वल टू जीरो। ये आ गया इक्वेशन ऑफ स्पेयर। हमारे पास यू बी डब्लू है, डी बी है, तो हम इसका सेंटर फाइंड कर सकते हैं। सेंटर पूछा है तो सेंटर इक्वल टू हो जाएगा माइनस यू माइनस बी एंड माइनस डब्लू, यानी कि ए वाई टू बी वाई टू एंड सी वाई टू। एंड रेडियस की बात आए, अगर रेडियस फाइंड करना हो तो रेडियस आर इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर माइनस का डी। ठीक है, यू बी डब्लू का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये होगा ए स्क्वायर बाई फोर प्लस का बी स्क्वायर बाई फोर प्लस का सी स्क्वायर बाई फोर माइनस डी इक्वल टू जीरो है। तो सेंटर रेडियस निकल आएगा आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन टू अपॉन फोर है, फोर को अंडर रूट से अगर बाहर निकालते हैं तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, ये था इसका रेडियस एंड सेंटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पेयर ऑफ द कॉन्स्टेंट रेडियस 2k पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड मीट्स द एक्सिस ओ ए बी सी। ठीक है, एक स्पेयर है, एक स्पेयर ये मान लिया ओरिजिन कहीं है, एक ए बी सी एक्सिस है। चलो ओरिजिन मान लिया ये होगा 3D में है, तो यहाँ पे नजर आ रहा हमको, परंतु होगा ऊपर कहीं, मतलब कहीं होगा, तो वो तीनों पॉइंट से ऊपर जा रहा है। स्पेयर ओ से ए से बी से एंड सी से होकर पास हो रहा है, ओ ए बी सी, जनरली ये इसकी सतह पर नज़र आ रहा होगा ऊपर, परंतु यहाँ पे फिगर में ऐसा नहीं शो कर रहा, बी फिगर में बीच में नज़र आ रहा, पर होगा यहाँ पे ऊपर होगा, जैसे गेंद होती है गेंद की ऊपर वाली सतह पर होता है इस तरह से। तो इसकी जो रेडियस है आर इक्वल टू टू के गिवन है, रेडियस 2k दिया है और पास ओ ए बी सी जो स्पेयर बन रहा है, यानी कि ए पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस सपोज हो तो इसका कोऑर्डिनेट ए जीरो जीरो होगा और इसका होगा जीरो बी जीरो एंड इसका कोऑर्डिनेट होगा जीरो जीरो सी। एक है ओरिजिन, अभी हम पिछले क्वेश्चन में इसका इक्वेशन हम फाइंड कर चुके हैं, जो इक्वेशन ऑफ स्पेयर आया है बार बार फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, उसको याद हो जाएगा, आसान सा है। इक्वेशन ऑफ स्पेयर, स्पेयर ओ ए बी सी, इस ओ ए बी सी ये आया था एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस का बी वाई माइनस का सी जेड इक्वल टू जीरो। वहाँ पर डी जीरो था क्योंकि जीरो जीरो से पास कराने पर डी की वैल्यू जीरो आ गया था। ठीक है, तो कॉमन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है, मतलब स्टार्टिंग हमने यहीं से किया था, इसी क्वेश्चन से।
क्वेश्चन में कहा है कि रेडियस इज 2k, पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड मीट्स द एक्सिस एबीसी, प्रूव दैट द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन ओएबीसी इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। यानी लोकस इसका लेना है, लोकस ऑफ सेंट्रॉइड्स। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन होना कैसे है, क्वेश्चन में हमारे पास इसका रेडियस निकल आएगा, रेडियस 2k दिया है, तो यहाँ से हम u इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ए बाई टू एंड यू बी 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 इक्वल टू होगा माइनस का बी बाई टू एंड सी इक्वल टू माइनस यू बी डब्ल्यू यार डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का सी बाई टू एंड डी इक्वल टू आता है इससे जीरो। अगर कंपेयरिंग कराते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू बी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो से, तो यू बी डब्ल्यू ये कंडीशन आ जाती है। ठीक है, अब बात आती है रेडियस की, आर इक्वल टू होता है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, आर इक्वल टू चूँकि 2k दिया हुआ है, आर इक्वल टू हमारे पास 2k दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन हमारी निकल आएगी, आर इक्वल टू क्या चल रहा है हमारे पास 2k, यू बी डब्ल्यू की वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो यहाँ होगा ए स्क्वायर बाई फोर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई फोर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर बाई फोर माइनस डी इक्वल टू जीरो। देन नेक्स्ट लाइन अगर लेते हैं तो यह होगा 2k इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई फोर, स्क्वायरिंग करेंगे 4k स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई फोर। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन अगर सॉल्विंग करने पर नेक्स्ट लाइन हमारा बनेगा 16k स्क्वायर इक्वल टू 16k स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको इक्वेशन मान लें कोई। अब बात आती है सेंट्राइड्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन, सेंट्राइड का लोकस हमको लेना है, तो टेट्राहेड्रॉन ओ ए बी सी था हमारा। ठीक है, तो ओ का जो कोऑर्डिनेट था वो था 0 0 0, ए का कोऑर्डिनेट था ए 0 0 एंड बी का कोऑर्डिनेट था 0 b 0 एंड सी का कोऑर्डिनेट था 0 0 एंड सी। तो इसका सेंट्राइड को हम एक्स बार वाई बार जेड बार मान ले रहे हैं, देन एक्स बार इक्वल टू होगा 0 प्लस ए प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 4 सेंट्राइड। इसको एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू, एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री एंड एक्स फोर वाई फोर जेड फोर अगर मानते हैं तो एक्स बार इक्वल टू होगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर अपॉन 4। ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब डायरेक्टली लिख दिया है, ऐसी वाई बार 0 प्लस बी प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 4 होगा एंड जेड बार इक्वल टू होगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सी अपॉन 4। यानी कि ए इक्वल टू हो जाएगा 4x बार एंड बी इक्वल टू हो जाएगा 4y बार एंड सी इक्वल टू हो जाएगा 4z बार। ए बी सी की वैल्यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ए बी सी पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो देखिएगा क्या बन जाता है। ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं तो यहाँ हमका 16k स्क्वायर इक्वल टू ए है, 4x बार का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4y बार का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4z बार का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 16x बार का स्क्वायर प्लस का 16y बार का स्क्वायर प्लस का 16z बार का स्क्वायर। यहाँ पे 16k स्क्वायर, यानी कि 16 कॉमन लिया, x बार का स्क्वायर प्लस का वाई बार का स्क्वायर प्लस का जेड बार का स्क्वायर 16k स्क्वायर। 16 से 16 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे हमारा आ गया k स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि एक्स बार का स्क्वायर प्लस का वाई बार का स्क्वायर प्लस का जेड बार का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। टेकिंग लोकस, एक्स बार को एक्स लिख सकते हैं, वाई बार को वाई एंड जेड बार को जेड, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर आ चुका है। ऐसे ही इसमें एक और क्वेश्चन है, ये तो था हमारा टेट्राहेड्रॉन का। और दूसरा जो क्वेश्चन है ए स्पेयर ऑफ द कांस्टेंट रेडियस के, स्पेयर की रेडियस के दिया है, तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्टकट लगाते हैं। देखिएगा ए स्पेयर ऑफ रेडियस के एंड पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड मीट्स द एक्सिस ओ ए बी, पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है एंड मीट द एक्सेस ओ ए बी, तो अब की बार जो है ओ ए बी से मीट्स कर रहा है। प्रूव दैट द सेंट्राइड्स ऑफ ट्रायंगल, इस बार जो ट्रायंगुलर फॉर्म में बना हुआ है, यानी कि ओ ए बी सी नहीं बना है ना, जो स्पेयर बना है ए बी सी के फॉर्म में बना है। ठीक है ना,
पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है एंड एक्सेस एबीसी में मीट्स कर रहा है, मिल रहा है। प्रूव दैट द सेंट्रॉइड्स ऑफ ट्राइंगुलर, यानी कि ये हमको प्रूफ करना है 9 4 के स्क्वायर। प्रूव दैट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगुलर ट्राइंगल ए बी सी लाई ऑन द स्पेयर, यानी कि जो ट्राइंगल ए बी सी बना है स्पेयर में लाई कर रहा है, उसका जो इक्वेशन होगा, उसके स्पेयर का सेंट्रॉइड का इक्वेशन होगा 9x² + y² + z² = 4k². जो स्पेयर हमारा बना है इसकी रेडियस के है, पासेस थ्रू ओरिजन, ओरिजन से पास भी हो रहा है, मीट्स द एक्सेस ए बी सी, यानी कि जो जनरल इक्वेशन बनेगा वो तो वही बनेगा। इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन में लेते हैं, इक्वेशन यानी कि स्पेयर, स्पेयर पासेस थ्रू ओरिजन 0 0 0 एंड मीट्स द एक्सेस, एक्सेस क्या था, ए बी एंड सी, ए का कोऑर्डिनेट ए 0 0 था, बी का कोऑर्डिनेट था 0 0 एंड सी का कोऑर्डिनेट 0 0 C। देन इक्वेशन ऑफ स्फीयर आया था, उसको हमको डायरेक्ट लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर, क्योंकि बार बार वही आ रहा है। ये था x² + y² + z² - ax - by - by - cz = 0। 4 पॉइंट्स हैं, यानी कि एक ओरिजिन है और 3 पॉइंट है a 0 0 0 v 0 एंड 0 0 c। तो इनसे पासिस होने के बाद जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर आया है वो हमारा आया है x² + y² + z² - ax - by - by - cz = 0। ठीक है, ये हमको इक्वेशन ऑफ स्फीयर मिल चुका है। तो इसका जो सेंटर्स होगा वो हमको फाइंड करना होगा, यानी कि u = माइनस का a/2, 2ux होता है, एंड b = माइनस का b/2, एंड c = होगा माइनस का uvw - c/2 एंड d = 0। अब हमको इसका रेडियस जो है वो k दिया हुआ है एंड सेंट्रॉइड में ट्राइंगल फॉर्म बना है, ट्राइंगल ABC के सम में बना हुआ है, तो उसके सेंट्रॉइड का इक्वेशन हमको ये प्रूफ करके लाना है। अब देखते हैं इसका जो सेंटर, सेंटर से तो मतलब नहीं पड़ेगा, रेडियस से डिपेंड करेगा, यानी कि रेडियस होगा अंडर रूट u² + v² + w² - t, यानी कि r = √, यानी कि a² / 4 + b² / 4 + c² / 4 d = 0। r की वैल्यू k गिवन है, यानी क्वेश्चन में r = k कहा है, यानी k = √ होगा a² + b² + c² / 4 हो जाएगा, यानी कि k स्क्वायरिंग अगर कर देते हैं तो k² = a² + b² + c² / 4, यानी कि 4k² बन जाएगा हमारे पास, 4k² = a² + b² + c² इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो सेंट्रॉइड लेना है हमको ट्राइंगल का, जैसे ट्राइंगुलर बना है ABC, ए का कोऑर्डिनेट a 0 0 एंड बी का कोऑर्डिनेट 0 v 0 है एंड सी है 0 0 c। इसका सेंट्रॉइड सपोज हमने मान लिया x^y^z^ सेंट्रॉइड, तो x^ होगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ता है, x^ a + 0 + 0.3, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 मान लेते हैं, तो x^ ये आएगा, y^ आ जाएगा 0 + b + 0.3 एंड z^ होगा 0 + 0 + c/3, यानी कि a = 3x^ एंड b = 3y^ एंड c = 3z^। ABC पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि 4k² = 3x^2 + 3y^2 + 3z^2, यानी कि 4k² = 9x^2 + 9y^2 + 9z^2। अब क्या करना है, 9 को बाहर कॉमन निकाल लेना है और टेकिंग द लोकस, तो यहाँ हो जाएगा 4k² = 9x^2 + y^2 + z^2। टेकिंग लोकस, लोकस लेने पर जगह 4k² = 9x² + y² + z² ठीक है, तो यही आंसर इसका हमको लाना था, 4k² = 9x² + y² + z² इस वीडियो में एक क्वेश्चन और करा देते हैं, क्योंकि या उसका हिंट्स दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है, ए स्फीयर
पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, एक पॉइंट है 1-3, 4, दूसरा पॉइंट है 1-5 एंड 2, तीसरा पॉइंट है 1-3 एंड 0, एंड सेंटर सेंटर पासेस थ्रू द प्लेन, यानी कि x प्लस का वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो से सेंटर पास कर रहा है। सेंटर होगा -u -b and -w, सेंटर इससे पास कर रहा है। तो हमारे पास जो है चार कंडीशन है, तीन तो पॉइंट दिए हैं और चौथा जो है सेंटर एक प्लेन पे लाई कर रहा है। तो उसे इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमको फाइंड करना है। देखिए करना क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर x² + y² + z² + 2ux + 2by + 2wz + d = 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। इसको पासिंग कराएंगे अलग अलग पॉइंट से, पहले इससे, इससे और इससे, पासिंग 1-3 एंड 4 से, x की जगह 1 का स्क्वायर + -3 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर + -3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 2u 1 एंड 2v एंड y की जगह -3 हो गया एंड 2w जेड की जगह 4 हो गया +d = 0। तो ये 1 + 9 + 16 + 2u - 6b + 8w + d = 0 इक्वेशन नंबर टू हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर टू ऐसे ही फिर पासिंग कराएंगे। अगला पॉइंट है 1-5 एंड 2 से, इससे पासिंग कराएंगे 1 का स्क्वायर + -5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2u - 1 + 2v - -5 एंड 2w - 2 + d = 0। तो यहाँ पे होगा 1 + 25 + 4 + 2u - 10v + 4w + d = 0 इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक और पॉइंट है 1-3 एंड 0, पासिंग थ्रू 1-3 एंड 0 से, तो ये होगा 1 का स्क्वायर + -3 का स्क्वायर + 0 जो है z = 0 हो गया, एंड 2u x की वैल्यू 1 है एंड 2v y की वैल्यू -3 है, w वाली चीज z = 0 है +d = 0। तो यहाँ होगा 1 + 9 + 2u - 6v + d = 0 इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, चार इक्वेशन हमारी बन चुकी हैं, मतलब इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 को सॉल्व करेंगे। यू वी डब्लू अभी से एक इक्वेशन हमको और मिलने वाली है, क्योंकि सेंटर लाई द प्लेन, यानी कि सेंटर प्लेन पे लाई कर रहा है। प्लेन था x + y + z = 0, सेंटर है -u - b and -w, n - u - b - w = 0, यानी u + b + w = 0 इक्वेशन नंबर हो गया 5। अब इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 को सॉल्विंग करना है। कौन कौन सी इक्वेशन? 2, 3, 4 एंड 5। 2, 3, 4, 5 को सॉल्व करके यू बी डब्ल्यू एंड डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। थोड़ा सा लेंथी होना है तो इसकी कैलकुलेशन छोड़ रहे हैं, क्योंकि 2, 3, 4 एंड 5 को सॉल्व करके यू बी डब्ल्यू एंड डी की वैल्यूज फाइंड करना। यू बी डब्ल्यू एंड डी एंड पुट इन इक्वेशन नंबर 1। यू वी डब्ल्यू और डी जब आ जाएगा उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, वही इसका इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो जाएगा।